हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर अपने रीड कर रहे थे, इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस, जो चैप्टर का नेम है। इसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन रीड किया था, मदरबोर्ड रीड किया था। अब अपने रीड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या किया था? इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस है, इंट्रोडक्शन और मदरबोर्ड किया था। अब अपने कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिसका मीन क्या CPU। ए प्रोसेसिंग डिवाइस इज द कंप्यूटर हार्डवेयर द मैनिपुलेट द डेटा एंड क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ इट। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, वो क्या करती है? मैनिपुलेट करती है डेटा को और क्रिएट करती है, क्या बनाती है? कुछ मीनिंगफुल आउट ऑफ इट, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करती है, ताकि जो भी वर्क कर रहा है, सामने वाला भी कुछ जो वर्क कर रहा है, उसको भी उस चीज़ का जो वो वर्क कर रहा है वो अंडरस्टैंड कर पाए, उस चीज़ को वो क्या बनाती है? मीनिंगफुल बनाती है। इन शॉर्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। शॉर्ट के अंदर हमें पता है जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो क्या होती है? एक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होती है, जो हमारे ब्रेन की तरह ही काम करता है कंप्यूटर का, CPU कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अब आपको दो इसके अंदर डायग्राम शो किए गए हैं। फर्स्ट है सिस्टम कैबिनेट और सेकेंड है CPU। अब देखिए आगे, द CPU इज माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो CPU है और जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ये एक ही है, और उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम कैबिनेट, और ये फिक्स होती है, लगी हुई होती है। कहाँ लगी होती है? हमारे सिस्टम कैबिनेट के अंदर। अब जो CPU है उसको आगे तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट है ALU, CU और MU। ALU देखते हैं, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। इट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये परफॉर्म करती है सभी अर्थमेटिक और जितने भी हमारे लॉजिकल कैलकुलेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड और जितने भी सिंबल्स हैं, उन सबके लिए हमारी अर्थमेटिकल लॉजिकल ही यूनिट वर्क करती है। फिर आते हैं CU। CU की स्टैंड फॉर क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। इट कोऑर्डिनेट द इंफॉर्मेशन फ्लो दैट हैपन्स इनसाइड द प्रोसेसिंग डिवाइस। ये क्या होती है? ये कोऑर्डिनेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ चली जाती है? इनसाइड द प्रोसेसिंग डिवाइस, इस डिवाइस के अंदर चली जाती है। मतलब ये क्या वर्क करती है? ट्रैफिक पुलिसमैन, जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बताया इसने ट्रैफिक पुलिसमैन का, हम कहीं रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो हमें इशारों पे बताती है कि आप अब जाओ, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो वही बात ऐसे है कि ये जो CU है वो भी क्या करती है, ऐसे ही अगर रोड पे होते ज़्यादा, एक अगर वो नहीं रोकते तो रोकते गाड़ी हमारी नहीं रोकती है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा रोड पर ना, तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको इस तरफ जाना है, आप इस तरफ जाना, आप इस तरफ जाओ, अब निकलो, अब रुको, ये सारे इंस्ट्रक्शन देती है ट्रैफिक पुलिसमैन, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं रोड पर। तो वही सेम CU का वर्क है, CU भी क्या करती है? उस चीज़ को फ्लो में रखती है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, MU, MU स्टैंड फॉर क्या है? मेमोरी यूनिट। इट इज़ इंजेस्ट इन स्टोरिंग द डेटा इन द CPU। ये हमारी जो स्टोरिंग डेटा होता है उसको सेव करके रखती है हमारे CPU में। MU कैन स्टोर डेटा टेम्परेरी और परमानेंटली। और ये जो MU है वो क्या करती है? अपना डेटा जो हमारा स्टोर करेगी वो कहाँ स्टोर करेगी? परमानेंटली CPU के अंदर स्टोर करती है। फिर आता है वर्किंग मैकेनिज्म। यू ऑलरेडी नो दैट CPU एक्ट एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप जानते हो इतना तो कि CPU का जो ब्रेन होता है वो क्या है? कंप्यूटर है। एंड देयर इज सब सिस्टम इनसाइड द CPU। तो ये क्या एक सब सिस्टम लगा होता है? कहाँ लगा होता है? इनसाइड द CPU, इस CPU के अंदर। दैट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। अगर कोई ऑर्डिनेट एक्शन लेते हैं हम, कंप्यूटर का एक्शन होता है आउट ऑफ थ्री सिस्टम, और उस सिस्टम के अंदर, उस एक्शंस के अंदर कितने सिस्टम होते हैं? तीन सिस्टम होते हैं CPU के अंदर। कौन कौन से होते हैं? CU होता है, MU होता है, एंड ALU होता है। अब देखते हैं MU। द MU इज़ दैट मेमोरी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट द CPU। जो MU है वो भी क्या है? मेमोरी पार्ट है हमारे कंप्यूटर का CPU में। इन एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज, जो क्या करता है? सॉफ्टवेयर को जो भी हमारे इंफॉर्मेशन, उसको एग्जीक्यूट करता है ताकि हम उसका डायरेक्टली यूज़ कर सकें। बिफोर स्टार्टिंग ए कैलकुलेशन द CPU में नीड टू एक्सेस द MPU।
अगर हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेशन वर्क करते हैं सीपीयू के अंदर, तो हमें ज़रूरत होती है किसको, एमयू को एक्सेस करने की, जिसे हम किस नाम से जान सकते हैं, रैम के नाम से भी जान सकते हैं। अलाइक द हार्ड डिस्क विच इज़ मैग्नेटिक मेमोरी, जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है। रैम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, जो रैम होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। ऑल्दो द रैम इज़ रीजनेबल फास्ट मेमोरी इनपुट और आउटपुट डेटा फॉर्म, ये जो इसलिए जो रैम है वो क्या होती है, रीजनेबल होती है, फास्ट मेमोरी होगी, क्योंकि उस पर जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, रीज़न के साथ हमें वो शो करेगी, हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमें वैसा शो करेगी, ठीक है। जैसे हम इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट डेटा हमें उस फॉर्म के अंदर मिलेगा। द फास्टेस्ट मेमोरी रिसाइड इनसाइड द ALU, ये मेमोरी होती है वो फास्ट मेमोरी होती है, और कहाँ लगी हुई होती है, ALU में, के अंदर लगी होती है ALU में। जस्ट एज़ टू प्ले अराउंड विद डेटा, उसने बताया कि इसी तरह हम लेके चलते हैं कि हम प्ले करते हैं डेटा के साथ, ठीक है। यू मस्ट फर्स्ट रिमेंबर इट, फर्स्टली आपको क्या करना है, उसे याद करना है। सो फॉर एडिंग टू नंबर यूजिंग द ALU, उसके बाद में आपको क्या करना है, दो नंबर को एडिंग करवाना है, किसको यूज़ करते हुए, ALU को यूज़ करते हुए। फर्स्ट मेमोरी डिवाइस कॉल्ड रजिस्टर, ये जो फर्स्ट मेमोरी डिवाइस है उसे हम क्या कह सकते हैं, रजिस्टर भी कह सकते हैं। आर यूज इनसाइड द ALU, जिसका यूज़ किया जाता है ALU के इनसाइड। एक्सेस फ्रॉम एंड आउटपुट टू द रजिस्टर इज़ वेरी फास्ट, जो एक्सेस फ्रॉम है, जो आउटपुट है रजिस्टर क्या है, बहुत ही वेरी फास्ट होता है, इसका वर्क जो होगा वो क्या होगा, फास्ट मिलेगा हमें, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रजिस्टर देयर आर ऑल्सो रजिस्टर दैट आर अवेलेबल टू रीड एंड राइट डेटा इन टू द मेमरी, तो ये जो रजिस्टर होगा वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, कि हम यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, रीड एंड राइट डेटा, हम अपनी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दीज मेमोरी रजिस्टर आर ऑल्सो नॉन एज MDR और MAR, इसको दो नाम से जाना जाता है मेमोरी रजिस्टर को, कौन से हैं, MDR और MAR। फर्स्ट देखते हैं MDR क्या होता है, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसे क्या कह सकते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कह सकते हैं। रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर, ये डेटा को रीड करेगा और मेमोरी में जाके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, राइट करेगा, एंड डेटा इट कंटेनिंग टू मेमोरी, और वो सारा के सारा डेटा कहाँ कंटेन हो जाएगा, मेमोरी के अंदर हो जाएगा। फिर आता है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ए CPU रजिस्टर दैट आइदर स्टोर द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा विल बी फेच्ड टू द CPU और द एड्रेस टू विच डेटा विल बी सेंड एंड स्टोर। जो CPU है, CPU रजिस्टर है, वो स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस को, कहाँ से स्टोर करता है, फ्रॉम विच डेटा विल बी फेच्ड टू द CPU, जो डेटा CPU के साथ कनेक्ट होगा, फेच होगा, जुड़ा हुआ होगा, उस डेटा को वो क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा, और एड्रेस टू विच डेटा विल बी सेंड, और वो उसी एड्रेस पे सेंड कर देगा जो एड्रेस हम उसको देंगे या जो एड्रेस हमने स्टोर किया हुआ है। द कंप्यूटर यूजेस डिजिटल सर्किट, जो कंप्यूटर है वो यूज़ करता है, द कंप्यूटर प्रेजेंटली यूजेस डिजिटल सर्किट, जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ करते हैं डिजिटल सर्किट्स को। दिस डिजिटल सर्किट वर्क बेस्ड ऑन क्लॉक सिग्नल, ये जो डिजिटल सर्किट है वो वर्क करते हैं किस बेस पे वर्क करते हैं, क्लॉक सिग्नल पे वर्क करते हैं, विच ड्यू टू सर्किट ट्रिगर इवेंट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इस सर्किट को ट्रिगर इवेंट कर रहे हैं, मीन्स इस सर्किट को चला रहे हैं, ट्रिगर का मीन्स होता है चलाना, कि किसी चीज़ को हम चला रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्किट इवेंट्स को भी हम क्या कर रहे हैं, चला ही रहे हैं। फिर उसके बाद में देखिए आपको दिया गया SMPS, SMPS क्या होता है, SMPS इज ए एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और स्विचर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्विचर भी कह सकते हैं, ठीक है। एब्रीविएटेड क्या होता है, ये हमें डिटेल फॉर्म के अंदर बताया गया है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसको अपने स्विचर भी बोलते हैं, ऐसी स्विच जिसके पावर सप्लाई होती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पावर, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पावर है।
सप्लाई सर्किट दैट स्विच पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइस। ये जो सर्किट है, जो स्विचिंग है, पावर यूज़ करते हैं स्विचिंग डिवाइस का, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका यूज़ किया जाता है स्विचिंग डिवाइस का पावर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। SMPS कन्वर्ट टू 30 वोल्ट AC मेन पावर इनटू DC पावर। ये जो SMPS है वो कन्वर्ट किया गया था 230 वोल्ट में वोल्ट को AC मेन पावर के, AC मेन पावर को किसके अंदर कन्वर्ट किया गया था, DC पावर के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया था। इट हैज़ हाई इफिशियंसी एंड इज़ वाइडली यूज्ड इन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इट हैज़ हाई इफिशियंसी, इसकी क्या होती है, जो इफिशियंसी होती है इसकी, जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और ये वाइडली यूज्ड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और इसका यूज़ होता है, क्या होता है, वाइडली यूज़ होता है किसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, मीन्स इसका पावर सप्लाइंग सिस्टम के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट हैज़ ए स्मॉलर ट्रांसफॉर्म साइज एंड वेट। और क्यों इसका यूज़ होता है, क्योंकि एक तो ये स्मॉल होता है, इसका साइज़ भी कम होता है और इसका वेट भी कम होता है। एंड सो SMPS इज सबस्टेंशली स्मॉलर एंड लाइटर। और इसी तरह है, इसलिए जो SMPS है वो क्या है, वो भी क्या है, स्मॉलर और लाइटर है। इट कन्वर्ट पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइस। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है पावर को, किस लिए कन्वर्ट करता है पावर को, यूज़ करता है यूजिंग स्विचिंग डिवाइस दैट आर टर्न ऑन ऑफ एट हाई फ्रिक्वेंसी। अगर अपने स्विचिंग यूज़ करते हैं स्विचिंग डिवाइस का, तो वो क्या करेगा, टर्न करेगा, किस चीज़ को टर्न करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, जो भी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और उसको टर्न ऑफ भी कर देता है, ऑन ऑफ भी कर देता है। अब देखिए यहाँ पे SMPS को आपको 4 टाइप्स के अंदर दिया गया है। जो AC है वो DC के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो DC है वो AC के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो DC है वो DC के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो AC है टू AC के अंदर कन्वर्ट होगा। मीन्स ये क्या, आपको SMPS के 4 टाइप्स दिए गए हैं। और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने किस चीज़ के बारे में लर्न करेंगे, हार्डिक्स के बारे में रीड करेंगे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट, एंड थैंक यू।